चंद्रपुर जिला सामान्य रुग्णालय किसी न किसी कारणवश हमेशा सुर्खियों में बना रहता है और वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतले ने जटपुरा गेट परिसर में जिला सामान्य रुग्णालय के संबंध में धरना आंदोलन शुरू किया। क्या है उनकी मांगे, आइए देखते हैं इस खबर में। जिला सामान्य रुग्णालय किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है और वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतोड़े ने जिला सामान्य रुग्णालय के संदर्भ में आज 9 फरवरी से जटपुरा गेट परिसर में धरना आंदोलन शुरू किया। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो सुनिए इस आंदोलन के संदर्भ में तथा अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष राहुल देवतोड़े ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा। नमस्कार, मैं राहुल देवतोड़े, राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष। आज दिनांक 9/2/2023 जटपुरा गेट जवळ धरने आंदोलन करून राहिलो। धरने आंदोलन करण्याचे कारण असे आहे की चंद्रपुरात सामान्य रुग्णालय हे सामान्य लोकांना सेवा पुरवण्याकरिता आहे, परंतु तेथील औषधी विभागामधून अशा अनेकदा कंप्लेंट आल्या आहेत की परिपूर्ण तिथून औषधी मिळत नाही, त्याकरिता वारंवार शैलेजी चिकित्सक साहेबांना निवेदन देण्यात आले। तिथचे डीन साहेब नीत नवरे त्यांना पण निवेदन देण्यात आले, तरी अजूनही त्यांनी कोणतीही योग्य रीती कारवाई त्यांनी केली नाही, त्याकरिता हा मला धरणे आंदोलनाचा निर्णय घ्यावा लागला। याकरिता मी आजपासून धरणे आंदोलन चालू केले आहे व माझ्या मागणे असे आहे की जिथपर्यंत 100% औषधी पुरवठा असूनही तिथे औषधी विभागामधून औषधी जिथपर्यंत परिपूर्ण मिळणार नाही तिथपर्यंत हे आंदोलन याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन अजून करण्यात येईल। सी टीव्ही हमारे प्रतिनिधी वैभव गारकर की रिपोर्ट।